हेडलाइंस आपने जानी, आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाहारा केस से पेशी, इमरान खान की जबान पास से रवानगी की तैयारी। इमरान खान कुछ देर बाद जबान पार से रवाना होंगे। चेयरमैन पी की क्यादत करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। जबान पार के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा है। इस्लामाबाद में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स है। जबान पार के बाहर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे मजीद भी जानेंगे इस बारे में। फिलहाल अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं और ये मनाजिर दिखा रहे हैं जबान पार के बाहर के। तोशाखाना केस में पेशी का ये मामला है। इमरान खान की जबान पार से रवानगी की तैयारी। जमान पार के बाहर मौजूद है खुर्रम मलिक और इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान। अभी रब्ता करेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, बताइएगा इस वक्त क्या जोश और जज्बा देख रहे हैं और अब से कितनी देर में खान साहब की रवानगी है? आज बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है आज तोशाखाना की अदालत में पेश होने के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं, क्योंकि तोशाखाना केस था और आज इस्लामाबाद रवाना होना था। और 6:30 बजे का वक्त जो है तमाम कारकुनान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनको दिया गया था कि वो जमान पार्क में पहुँचे। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कारकुनान के साथ साथ जो सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। सीनियर लीडरशिप में सैनेटर फैसल जावेद जो है वो अभी पहुँचे हैं, से साथ साथ मियां असलम इकबाल, फैजुल्ला कमोका और दीगर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। सीनियर लीडरशिप के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी बेजमान पार्क पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जरा ये दावा कर रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो काफिले की सूरत में इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना होंगे। और बारास्ता जो है वो यही बताया जा रहा है कि रिंग रोड कोई इस्तेमाल करते हुए कालाशाह काकू पहुँचेंगे और बारास्ता मोटरवे जो है इस्लामाबाद पहुँचेंगे। यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो है उन्हें मुकम्मल कर लिया गया है और जो कारकुनान है वो इमरान खान को खुद जो है वो सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं। खवातीन कारकुनान की बड़ी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ लेडी वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हाथ में जो है प्ले कार्ड भी थामा हुआ है। मैडम, बताइएगा क्या जज्बा है और अब से कुछ देर के बाद आपके लीडर जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरह आज जो है हिफाजत करेंगे अपने लीडर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि जज्बा तो आप देख रहे हैं, वो दीदनी है, कोई उसमें कोई कमी नहीं है। बाकी हिफाजत, सबसे बड़ा मुहाफिज़ तो अल्लाह है, हम अल्लाह से उनकी हिफाजत की दुआ मांगते हैं। दूसरा ये है कि कारकुन जो है वो उनकी अपनी जान से गुजर कर भी जो अपने लीडरों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे और जीत हमेशा हक की, क्योंकि वो हक और सच पे खड़े हैं और जीत हमेशा हक और सच की होगी। और जिस तरह से उसके नताए जाना शुरू हो गए हैं, कल आपने देखा है कितने केसेज में उनको रिलीफ मिला है, और इंशाअल्लाह इसी तरह वो सब तमाम केसों से बरी हो जाएंगे। इसलिए कि कोई भी केस सच्चा नहीं है, सब के सब झूठे हैं, गलत केस किए गए हैं और सिर्फ बिला वजह परेशान करने के लिए हमारे। ठीक है, खुर्रम मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। से इस्लामाबाद से हमें राव रिजवान ने भी ज्वाइन किया है। राव रिजवान, हम देख रहे हैं फुटेज में हर जगह कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, आप बताइएगा क्या मनासिब देख रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं?